तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 12 में मल्टीपल फंदे रखने हैं प्लस 6 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं और 12 सिलाई का हमारा ये डिज़ाइन है 12 सिलाई में कंप्लीट हो जाएगा। तो और बुनाई हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी। मैंने इसमें 12 प्लस 6 18 फंदे 18 फंदे रखे हुए हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले एक फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर देंगे, फिर अपनी साइड धागा करके एक फंदा उल्टा बना देंगे, ठीक है। फिर इस तरह जाली देंगे फ्रेंड्स और आगे से दो फंदों का एक कर देंगे, ऐसे जाली देंगे है और नहीं इस तरह देंगे और आगे से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, छह फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छह फंदे सीधे बना दिए और एक फंदा उल्टा बन जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे 12 फंदे कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर दूसरी बुनाई यहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए हम फिर वही करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। एक फंदा हमने उल्टा बना दिया, फिर जाली देंगे इस तरह से और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे से, इस तरह से सीधा बनाएंगे, ऐसे दो फंदों का एक फंदा बना दिया है, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और लिस्ट स्टिच का फंदा हमारा सीधा जाएगा। ये हमारी पहली सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हमारी दूसरी सिलाई आ रही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो फंदा हमको जिस तरह दिख रहा है हमको वैसे बनाना है, जैसे दो फंदे हमें, एक फंदा हमें सीधा दिख रहा है और एक फंदा उल्टा, और जाली वाला फंदा भी हम हमेशा उल्टा ही बना देंगे, जो भी हमारी जाली आएगी उसमें हम जाली वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे और दो फंदे सीधे और फिर एक दो तीन चार पाँच छः फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर धागा अपने साइड, एक फंदा उल्टा और जाली वाला भी उल्टा, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा और स्टिच का फंदा हमारा उल्टा। ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी तीसरी सिलाई स्टार्ट हो रही है। तो अब हमारी ये तीसरी सिलाई स्टार्ट हो गई है। तो इसमें एक फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और ये दो फंदे हैं जो इन दो फंदों का आगे से एक बना देंगे इस तरह से, फिर ऐसे आगे करेंगे और जाली देंगे और दो फंदे उल्टे बना देंगे, एक दो, फिर धागा पीछे करेंगे, छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छह फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक बुनाई कंप्लीट हो गई है। फिर दोबारा से एक फंदा उल्टा, फिर आगे से दो फंदों का एक करेंगे, धागा ऐसे करेंगे और आगे से दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से, और फिर धागा ऐसे करके जाली देंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, स्टिच का फंदा हमारा सीधा जाएगा। तो ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब चौथी सिलाई आ रही है फ्रेंड्स। तो चौथी सिलाई में वही करना है, जो फंदा हमको जिस तरह दिख रहा है उसको वैसा बनाना है और उल्टा फंदा भी हमको उल्टा ही बनाना, नहीं जाली वाला, सॉरी जाली वाला फंदा हमको उल्टा बनाना है, ठीक है। तो दो फंदे उल्टे और छह फंदे उल्टे, इस तरह हमें ये ना कंप्लीट कर लेना है, जाली वाला उल्टा और एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा और स्टिच का फंदा उल्टा, ठीक है। ये हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी पांचवी सिलाई स्टार्ट हो रही है और सीधी साइड। अब हमारी ये पांचवी सिलाई आ गई है। इसमें एक फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे और अब हमको एक फंदा उल्टा बनाना है और इस तरह धागा पीछे करके जाली देनी है इसमें ऐसे, और ये दो फंदों का, ये सीधा और ये वाला जाली वाला फंदा, इसको इस तरह सीधा करेंगे और पीछे से दो का एक कर देंगे, पहले जाली देंगे फिर दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, नहीं सॉरी दो फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरीके से। अब हमारे ये बीच में छः फंदे हैं फ्रेंड्स और हमको तीन तीन फंदों को ट्विस्ट करना है, ये छः फंदों को ट्विस्ट करना है। तो हम तीन फंदे इस तरह से करेंगे, ये तीन फंदे हम पीछे से लेंगे और इन तीन फंदों को हम आगे से पीछे ले लेंगे ऐसे करके, और इन पीछे वाले फंदों को आगे डालेंगे
और अब हम छह फंदों को सीधे बना देंगे, एक दो तीन चार पाँच छह फंदों को हमको सीधा बना देना है। फिर धागा आपने साइड करना है, एक फंदा उल्टा, एक बुनाई कंप्लीट हो गई। फिर दोबारा से एक फंदा उल्टा और यहाँ पे हम इस तरह जाली देंगे, सीधे से सीधे में जाली देंगे। अब ये दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, पीछे से करेंगे इसको, ऐसे पलटाएंगे पीछे से, दो फंदों का एक फंदा बना देंगे इस तरीके से। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, स्टिच का फंदा हमारा सीधा ही जाएगा। ये हमारी पांचवी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब छठी सिलाई आ रही है, तो छठी सिलाई में वही करना है, जो फंदा हमको जैसा दिख रहा है उसको वैसा बनाना है, सीधे फंदे सीधे और उल्टा फंदा उल्टा और जाली वाला भी उल्टा, तो इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। अब हमारी ये सातवीं सिलाई स्टार्ट हो रही है, तो इसमें एक फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। फिर धागा पीछे करेंगे, अब ये दो फंदों का एक करेंगे आगे से इस तरीके से। फिर इसमें धागा आगे करके इस तरह जाली देंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करके छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक डिजाइन कंप्लीट हो गया 12 फंदों का। फिर दोबारा से एक फंदा उल्टा, ठीक है, और धागा पीछे करेंगे और ये दो फंदों का आगे से सीधा बना देंगे। फिर इस तरह घुमा के जाली देंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, स्टिच का फंदा धागा पीछे करके सीधा जाएगा। ये हमारी सातवीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी आठवीं सिलाई है उल्टी साइड, तो इसको वही करना है, जो फंदे हमको जैसे दिख रहे हैं वैसे बना लेने हैं और इसको पूरा ऐसे ही कंप्लीट करना है इस सिलाई को। अब हमारी यहाँ से नौवीं सिलाई स्टार्ट हो रही है, नाइन्थ रो स्टार्ट हो रही है। एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा बनाना है और इस तरह घुमा के जाली देनी है और यहाँ से इसको पलटा के पीछे से दो फंदों का एक कर देना है। फिर धागा अपनी साइड करके दो फंदे उल्टे, फिर छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे सीधे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। फिर दोबारा से एक फंदा उल्टा और यहाँ पे इस तरह जाली देंगे, धागा पीछे करेंगे इस तरह जाली देंगे और इसको ऐसे पलटाएंगे, दो फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे, धागा अपनी साइड करके एक फंदा उल्टा और स्टिच का फंदा हमारा सीधा। ये इस तरह ये नौवीं सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। अब दसवीं सिलाई उल्टी साइड आ रही है, इसमें वही करना है, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। अब हमारी ये ग्यारहवीं सिलाई यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, इसमें एक फंदा ऐसे ही स्लिप करना है फ्रेंड्स, धागा आगे करना है, एक फंदा उल्टा बनाना है, अब धागा पीछे करना है और ये दो फंदों का एक करना है आगे से इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हमको जाली देनी है, ऐसे धागा करना है, उल्टे से उल्टे में जाली देनी है और दो फंदे उल्टे बनाने हैं और धागा पीछे करना है। अब हमको ये छह फंदे हैं इसको फिर ट्विस्ट करना है तीन तीन फंदों को, वो किस तरह करना है फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये फंदा हमारे तीन फंदे आ रहे हैं, ये अब इसी से इसके ऊपर से जाएंगी, कैसे मैं बताती हूँ आपको। ये तीन फंदों को हम पीछे से लेंगे और ये तीन फंदों को हम आगे से लेंगे, ये तीन फंदे हम पीछे और ये तीन फंदे आगे से, इस तीन को हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से ऊपर आया फिर यहाँ से आगे को मुड़ गया, तो और ये छह फंदों को हम सीधे बना देंगे। ये छह फंदे सीधे बन गए हैं। फिर धागा अपनी साइड करके एक फंदा उल्टा बनाना है, एक बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर दोबारा से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, अब धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदों को आगे से सीधा बना देंगे, एक कर देंगे दो का एक कर देंगे इस तरीके से, धागा आगे करेंगे इस तरह जाली देंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, स्टिच का फंदा हमारा सीधा बन जाएगा। ये हमारी ग्यारहवीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और इतना डिजाइन बन के आ गया है। बारहवीं सिलाई हमारी फिर वही है,
जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनाना है, एक फंदा स्लिप करना है और एक फंदा सीधा दिख रहा है, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर छह फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छह फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे, फिर एक दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड करके दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, स्टिच का फंदा उल्टा। तो ये हमारे यहाँ पे 12वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है, 12 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और 12 सिलाई में फ्रेंड्स इतना डिज़ाइन बन के आ गया है। और अब इसके ऊपर आप बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से जैसे मैंने फर्स्ट में बनाया वैसे ही स्टार्ट करेंगे। अब ये वाला जो हमारे तीन फंदे हैं वो इस तरह ऐसे करके ऊपर से ही मुड़ते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड कितना सुंदर लगता है, ये सीधे से इस तरह और उल्टे में इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। और आप इसको फर्स्ट से 12 तक, पहली सिलाई से 12 सिलाई तक फ्रेंड्स बनाते रहेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। ये देखिए मैंने बड़े में बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स देखिए, ठीक है। ये लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, हाईनेक, पुलोवर, जैकेट, टोपी, सॉक्स, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको आप बनाइए और हमें कमेंट करके फ्रेंड ज़रूर से बता देना ये बुनाई आपको कैसी लगी, ठीक है। और हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।